आज हम बात करने वाले हैं चेहरे के बालों के समाधान के बारे में, उसके लिए लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट के बारे में, क्या हमें चेहरे पे शेविंग करनी चाहिए और चेहरे के लिए कौन सी क्रीम्स इस्तेमाल करनी चाहिए जो चेहरे के बालों को कम कर सके। कुछ ही दिन पहले हमने इंस्टाग्राम पे एक पोल रखा था जिसके अंदर आप सब लोगों ने हमें बताया था कि हमें कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक्स टू आई एम रागिनी, अखिला रेड्डी एंड डस्क अंडरस्कोर 15 कि आपने हमें इन टॉपिक्स पे सजेशन दिया। अब चेहरे पे ज्यादा बाल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले जेनेटिक्स, यानी कि चेहरे पे बाल आपकी फैमिली में ज्यादा प्रचलित हैं। दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि एंड्रोजन हार्मोन की ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से हो सकता है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज सबसे ज्यादा कॉमन कारण है इंक्रीज्ड एंड्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। अगर आपको फेशियल हेयर के साथ साथ इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, चेहरे पे ज्यादा दाने हैं और सर पे बालों की थिनिंग है तो आपको पीसीओडी के होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और आपको अपने स्किन स्पेशलिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से जरूर सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा चेहरे पे स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम्स के इस्तेमाल करने से आपके चेहरे के बालों की थिकनेस बढ़ सकती है, इसलिए आप कभी भी कोई भी स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम बिना अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछे बगैर इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ काफी सारे फूड सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर्स के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन मिला हो सकता है जिसकी वजह से आपके चेहरे पे बाल ज्यादा आ सकते हैं। कभी कभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी चेहरे पे बाल ज्यादा ला सकते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ ओसीपीज पीसीओडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाज भी है, इसलिए कुछ ही प्रतिशत लोगों में ही ओसीपीज आपके चेहरे पे बाल बढ़ाते हैं। चेहरे के बाल दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो बहुत ही छोटे और पतले हो सकते हैं या तो वो कोर्स और थिक हो सकते हैं। आपके चेहरे पे चाहे कैसे भी टाइप के बाल हों, कोर्स या पतले, सब चाहते हैं कि उनका चेहरा एब्सोल्युटली हेयर फ्री हो। अगर आपके चेहरे पे कोर्स और थिक हेयर हैं तो आपके लिए लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सिर्फ 8 से 10 सेशन ऑफ लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट फॉर फेशियल हेयर करने के बाद आपके चेहरे के बाल बहुत ही पतले हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी डिले हो जाती है। लेकिन अगर आपको पीसीओडी है तो आपको 10 से 15 सेशन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आपके चेहरे पे बाल बहुत ही छोटे और पतले हैं जो कि सिर्फ अंडर लाइट या धूप के अंदर दिखाई देते हैं तो आपके लिए लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। आप अपने चेहरे पे या तो थ्रेडिंग कर सकते हैं, ब्लीच करवा सकते हैं या वैक्सिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन गर्म वैक्स का इस्तेमाल ज्यादा चेहरे पे इस्तेमाल होने की वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है और आपके चेहरे के नीचे दाने भी आ सकते हैं। फीमेल्स के लिए सबसे कॉमन सवाल, क्या हमें चेहरे पे शेविंग करनी चाहिए? शेविंग करने से क्या बाल हमारे ज्यादा थिक तो नहीं आएंगे? सबसे पहले ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि शेविंग से आपके बाल ज्यादा थिक हो जाएंगे। जब भी हम अपने चेहरे के बाल शेव करते हैं वो हमेशा एक एंगल पे कटते हैं और जड़ से नहीं निकलते। अब जैसे कि आप कोई पौधा जड़ से उखाड़ें, वो वापस हमेशा थोड़ा पतला आएगा, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ काटेंगे तो उसकी टहनी हमेशा मोटी वापस आएगी। यही सेम प्रिंसिपल शेविंग में भी होता है। सो क्या आपको अपने चेहरे पे रेजर का इस्तेमाल करना चाहिए? आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप रेजर का इस्तेमाल करें अपने बालों की डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। अगर आप अपने बालों के अगेंस्ट डायरेक्शन में इस्तेमाल रेजर का करते हैं तो आपके स्किन के अंदर दाने होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ऑल्सो ये भी ध्यान रखें कि अगर आप अपने बाल रेज ऑफ करते हैं क्योंकि वो जड़ से नहीं निकलते, उनके वापस होने का टाइम कम हो जाता है और वो जल्दी वापस आ सकते हैं। अगर आपके कान पे बाल हैं क्योंकि आपके कान बहुत ही कर्व्ड होते हैं, बहुत ही ध्यान से अपने बाल रेज ऑफ करें क्योंकि वहां पे कटने के चांसेस हो सकते हैं। रेजर से ज्यादा सेफ आप ट्रिमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे के बालों को हटाने के लिए। ये ज्यादा सेफ है और पतले बालों को हटाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। मार्केट में बहुत सारी फेशियल हेयर रिमूवल क्रीम्स आती हैं, लेकिन मैं उनके यूज का सपोर्ट नहीं करती क्योंकि ये क्रीम्स आपके चेहरे पे एलर्जी भी कर सकती हैं और आपकी स्किन को डार्क भी कर सकती हैं। चेहरे के बालों की ग्रोथ कम करने के लिए ई फ्लोरेंथिन कंटेनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अगर लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इनका रिजल्ट और भी अच्छा आता है।
बालों को हटाने के बाद इस क्रीम को दिन में दो बार इस्तेमाल किया जाता है 6 महीने के लिए। ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही कम कर देता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए इसको यूज़ करने से पहले। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको फ्रीक्वेंट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ डॉक्टर अनुप्रिया गोयल एंड @ बर्कोविट्स क्लिनिक। स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटिफुल। थैंक यू।